विदिशा के पठारी में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग विदिशा के तत्वावधान में जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए दिव्यांगों का परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र जारी कराने की कार्यवाही की। कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे, SDM अंजलि शाह, सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिनेश यादव, मंडल महामंत्री अमित सहले ने भारत माता की पूजा अर्चना कर शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें जिला चिकित्सालय विदिशा से डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी, डॉक्टर BL नागेश, डॉक्टर अशोक राजपूत, डॉक्टर राकेश साहू ने 206 दिव्यांग लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई, जिससे निःशक्त जनों को पेंशन, विकलांग उपकरण एवं दिव्यांगों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। भाई हरी सिंह सप्रे जी, कुरवाई अनुभागीय अधिकारी श्री साई मैडम, जनपद पंचायत के CO जैन साहब, नायब तहसीलदार पठारी, मंडल के अध्यक्ष भाई हरनेश यादव जी, यही साहब गोस्वामी जी, उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी भाई, उपस्थित सभी दिव्यांगजन, मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि जो भी विकलांग हैं निःशक्तजन, उन सबके पास प्रमाण पत्र हों, वो सभी को हमारी योजनाओं का लाभ मिले। ये सारे शिविर का आयोजन जो आज पठारी में हुआ है वो विधायक जी के माध्यम से शिविर हुआ है। विधायक जी की बात करेक्ट हिसाब से हुई, क्योंकि आप लोग जाते थे विदिशा में तो वहाँ बोर्ड आपकी जांच करके जितना परसेंटेज आता था तो आपको सर्टिफिकेट देते थे, लेकिन विधायक जी के मन में बात आई कि क्यों ना हम तहसील स्तर पर, जैसे पठारी है, बरवाई है, मेलुगंज वो अपना क्या कहते लायरा है, यहाँ हम शिविर लगा के यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, तो उनके सारे कार्ड जांच होके बन जाएं, तो ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की बात होती है कि आपके बीच में आज उन्होंने पठारी शिविर लगाया, सारी पंचायतों के लोग आए, CO साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करवाई कि सब पंचायतों में डोड़ी पटवाई, लोगों को सूचना दी, तो सब मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये योजना चल रही, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया है, उसकी ड्यूटी हमें सौंपी कि आप जो दिव्यांग लोग थे जो सीधे वहां जाते थे विदिशा हर गुरुवार, तो वह प्रमाण पत्र बनने में भी थोड़ी परेशानी होती, कभी डॉक्टर बैठे नहीं बैठे, तो ये नवाचार का कार्यक्रम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि नहीं, हर तहसील पे दिव्यांग शिविर लगना चाहिए और भाई इनके प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ये सोच हमारे मुख्यमंत्री की और हमारी भी यही सोच है कि विदिशा कौन पूछ रहा हो तुम्हें, अब हम हैं तो सब पूछेंगे, नहीं जी मैडम पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हम हैं सब पूछेंगे अधिकार, इसलिए आप लोगों को बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की क्या मंशा है, जिन जो 80% विकलांग हैं तो उनके लिए स्कूटी की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है, तो वहाँ से सामाजिक न्याय विभाग से 42,500 माननीय प्रधानमंत्री देंगे और 17,500 रुपया हम देंगे, तो ये से टोटल मिला के उसको स्कूटी आ जाएगी, तो ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश था, और अगले टर्म में डोर पिटी थी कि नहीं, हाथ जो करो वहाँ वहाँ डोर पिटी थी कि नहीं, पिटवाई थी, तो हमने CO साहब की ड्यूटी लगाई थी कि आप गांव डोर पिटवाइए, जो भी विकलांग थे दिव्यांग लोग हैं वो आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।